बैठे अते रूह पाक दे नाम उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणो, प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाया मत्ती दी अंजील उहदा 5:23 प्रभु सानू कहिंदा है कि जदों तुसीं बलि चढ़ाने लई अल्तार दे सामने आ जाता है उते तुहानू चेते आउंदा है कि तुहाडा भरा और भैन किसी नू तुहाडे विरुद्ध कोई गिला है तां उह बलि वस्तु उत्थे चढ़ के जाके उहदे नाल मेल मिलाप करना फिर आके बलि चढ़ाना। साडी प्रार्थना की सुनवाई होना है तो सब तो जरूरी गल तो ये है असी माफ़ी देने वाले होना है। जब तक असी माफ़ी नहीं देता है सानू माफ़ी नहीं मिलता है। माफ़ी देना और माफ़ी लेना ये एक ही गल है। माफ़ी जदों देंदे है सानू माफ़ी मिलता है, इसलिए प्रभु सानू कहिंदा है माफ़ी देना। हुण असी अपने आप नू खुदा दे सामने पेश करिए हलीमी दे नाल। बहुत सारे गलतियां असी कीते हैं, उन्हें सारे मौके दे लई खुदा कोलों और एक दूसरे कोलों माफ़ी मांगी। मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ भराओ ते भैणो कि मैं सोचन नाल बोलन नाल करन नाल अते अंगेली नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल, इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारे फरिश्तियां अते संतां अते तुहाडे अगे ऐ भराओ अते भैणो मैं बेनती करदा हाँ कि मेरे लई प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे ते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानूं सदीवक जीवन वल पहुंचावे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे मसीहा दया कर, हे मसीहा दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। हे खुदा साडे बाप, गोद ले जान दे फजल नाल तू सानू चानन दे तियां पुत्रां बनाया है। बख्श दे कि असी गलती दे हनेरे विच दोबारा फिर ना डिगिए, सगों हमेशा सच्चाई दे जलवे विच चमकते रहिए। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूह पाक की एकता विच एक खुदा जीवंदा ते राज करदा है सदा तुम सदाती कर। आमीन। पाठ पहला, उत्पत्ति ग्रंथ
उसका 23:1-4, 19 आयत तक सरा की कुल उम्र 127 साल सी। सरा किरियत अरबा अर्थात हब्रोन विच जो कनान देश का एक शहर है मर गई। अब्राहम ने उसकी मौत दा उत्थे सोग मनाया। अब्राहम अपनी पत्नी दी लाश कोलो उठ के हिती लोकां कोल गया अते उन्हां नू कहा, मैं तुहाडी विचकार एक परदेसी दे तौर ते रह रहा हाँ। तुसी मैनू कुछ अपनी जमीन मुल दे देवो जिथे मैं मुर्दे दबा सका। तद अब्राहम ने अपनी पत्नी नू उस मलकेफा दी गुफा ममरे दे सामने अर्थात कनान देश विच दफना दिता। प्रभु दी वाणी, खुदा दा शुकर होवे। Thank you.
ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੱਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਚੁੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮਸੀਹਾ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੱਤੀ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੱਤੀ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨਾਲੇ ਘਿਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜੋ ਠੇਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਘਿਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਆਪਣਾ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਆਦਮੀ ਹੈ
तो फिर ये किस तरह एक पापी आदमी नू अपने चेले बना सकता है। तो हुण जदम भोजन ते बैठे है तो देख रहा है कि फरीसी देख रहा है कि ना सिर्फ ये आदमी बहुत सारे पापियाँ ये सारे येसु और येसु दे चेलन दे नाल मिलके भोजन कर रहा है। ये यहूदियां दे लई सोच भी नहीं सकता है इदां दा गल। तो वो येसु नू सिद्धा नहीं कहता है, चेलन नू कहता है कि तुहाडे गुरु इदां कहता है तुहाडे गुरु, और ये नहीं कहता है कि साडा गुरु, तुहाडे गुरु इदां पापियां दे नाल क्यों करता है। तो येसु ने वो सुनिया तो येसु ने कहा कि मैं पापियां नू बुलाउण लई आया हाँ, रोगियां नू वैद्य दी जरूरत है, नरोगियां नू नहीं है। होना ना सिर्फ इत्थे येसु पापियां दे बारे वक्रे वक्रे समय पर जो पापियां दे लई जो प्यार येसु दा जो है वो अंजील सामने रखता है। योहन्ना दे अंजील दे विच उहदे 8 बाब दे विच इस तरह एक होर गल है। उत्थे एक पापन औरत दे बारे है जिक्र है। वो फरीसी लोग इस एक औरत नू पकड़ के येसु दे सामने लेके आया है और कहंदा है कि इस औरत नू पाप करदे होए असी वेख्या और इनू इस तरह दे औरतां नू पथराव करना साडे नियम दे विच लिखा है। इहदे बारे तुसी की कहंदे हो? जो येसु कुछ नहीं कहंदा और बार बार जदों पूछते हैं येसु जो कि सिर्फ इन्ना ही कहंदा है कि तुहाडे विचों जो बिना पाप दे हैं वो इसनू पहला पत्थर मारना है। ये सुन के सारे उत्थे चले गए। तो येसु उस औरत नू सिर्फ इन्ना कहंदा है पाप ना करना है। इसी तरह एक होर गल लूका दे अंजील दे विच येसु कहंदा है दो आदमी मंदिर दे विच प्रार्थना के लिए गया और एक आदमी एक जो फरीसी और दूसरा एक पापी एक टैक्स लेने वाला मसूली। और ये फरीसी जाके मंदिर दे अल्तार दे सामने जाके हाथ फैला के वो प्रार्थना करना शुरू किया इदा कि हे खुदावंदा मैं हफ्ते दे विच दो बार वर्त रखता हाँ, जो मैं दसवंत देंदा हाँ हर चीज़ का, जो मैं नियम दे मुताबिक जो प्रार्थना जो करना है मैं सब कुछ करता हाँ, और अपने आप नू वड्याई करके वो उत्थे खुदा दे सामने इस तरह प्रार्थना करता है। तो उस पापी आदमी पीछे खड़े होके मंदिर दे विच अंदर भी नहीं गया है, बाहर खड़े होके जो इस तरह प्रार्थना करता है हे प्रभु मैं पापी हाँ, इस पापी आदमी उत्ते तरस खा। तो येसु कहता है कि वो पापी आदमी उदा पाप सारा माफ हो गया है और वो जो फरीसी उसका कोई पाप माफ नहीं हो गया। वो एक बार जो अपने आप नू खुदा दे सामने जो हलीम बनाउंदा है वो दी प्रार्थना दी सुनवाई हुंदा है, जो अपने आप नू बड़ा बनाउंदा है वो उहदा कोई प्रार्थना दी सुनवाई नहीं हुंदा है। इस तरह प्रभु ने वक्रे वक्रे समय पर ये साडे सामने रखिया है कि जो पापी है ना सिर्फ पाप करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पाप करते रहना है। पापी नू प्यार करने का मतलब तो ये नहीं है कि हम जिन्ना मर्जी पाप करते रहना ये नहीं। ये है जो पाप दे विच सारे कमज़ोर हैं, पाप दे विच दिख पया है और माफ़ी मांगता है खुदावंदा मैंने ये पाप किया है, न जाने मेरे तो इस तरह ये भूल हो गया है, मैं पाप किया मैं पापी हाँ। जदों इसी तरह
खुदा दे सामने प्रार्थना करता है, साढ़े पापां दी माफ़ी हो जाता है। ये है आज प्रभु सानू ये सिखाउंदा है कि यीशु साढ़े आसमानी बाप हमेशा सानू साढ़े पापां नू माफ़ी देने लई और साड़ी जो वापस उहदे कोल जाण लई उहदे इंतजार दे विच है, वो हमेशा साड़ी प्रार्थना सुन लई तैयार है। आज अपने आप नू हलीमी दे नाल खुदा दे सामने पेश करिए, ये विश्वास दे नाल प्रभु साड़ी प्रार्थना हमेशा सुनता है। जो कुछ भी साड़ा गलती है, जो कुछ भी साड़ा कमजोरी है, फिर भी प्रभु साड़ी प्रार्थना हमेशा सुनता है। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम ते आमीन। ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਕਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰੋਹਿਤਾਈ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਗਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਹਦਾਰ ਕੇ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਛੱਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾ
सारे संतां नाल रल के असी तेरे जलाल दा ऐलान करदे होए एक ही आवाज नाल कहंदे हां, पाक पाक पाक, लश्करां दे प्रभु खुदा, स्वर्ग ते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन, उचाइयां विच होसाना, मुबारक है ओ जो प्रभु दे नाम उत्ते आंदा है, उचाइयां विच होसाना। हे प्रभु, तू सचमुच पाक है अते सब पवित्र दादा सोमा है, इसलिए असी बेनती करते हाँ कि जिस तरह त्रैल पैंदी है उस तरह तू अपने रूह पाक नूं भेज के इन्हां नदरानियां नूं पवित्र कर, तां जो ये साडे लई साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे। उसने अपनी मर्जी नाल अपने आप नूं दुख तसीहियां लई सौंपदे होए रोटी लई धन्नवाद करदे हां, रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां नूं दित्ती, ये कहिंदे होए तुसी सारे ये लो अते इस विचों खावो, क्यों जो ये मेरा बदन है जेड़ा तुआडे लई कुर्बान कीता जावेगा। इसे तरह भोजन करन तों बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्नवाद कर दिया, प्याला अपने चेलियां नूं दिता, ये कहिंदे होए तुसी सारे ये लो अते इस विचों पियो, क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है नवे अते सदीवी नेम दा लहू, जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जावेगा, मेरी याद विच ये क्रिया करो। ईमान दा फेद ए दुनिया दी मुक्ति दाते सानू बचा, क्यों जो तू अपनी सलीब अते जी उठन नाल सानू मुक्त कीता। हे प्रभु, असी यीशु मसीह दी मौत अते उसदे जी उठन दी यादगारी नूं मनाउंदे होए तेनू जीवन दी रोटी अते मुक्ति दा प्याला चढ़ाउंदे हाँ। असी तेरा धन्नवाद करदे हाँ, क्यों जो तू सानू इस योग ठहराया कि असी तेरी हजूरी विच दाखिल हो के तेरी सेवा करिए। असी हलीमी नाल दुआ करदे हाँ कि मसीह दे बदन अते लहू विच हिस्सा लेण द्वारा असी रूह पाक तरह ही एकता विच बचे रहिए। हे प्रभु, सारी धरती उत्ते फैली हुई अपनी कलीसिया नूं याद कर अते उस नूं साडे संत पापा फ्रांसिस, साडे बिशपां फ्रेंको अते एक्नेलो अते सारे पुरोहितां नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रख। साडे भैणां भरावां नूं वी याद कर जिहड़े जी उठण दी उम्मीद नाल सो गए हन अते उन्हां सारिआं नूं वी जो तेरे रहम विच मर गए हन, इन्हां दा तू अपनी हजूरी दे चानन विच स्वागत कर। हे प्रभु, असीं बेनती करदे हाँ कि साडे सारिआं उत्ते दया कर, तां जो तन कुवारी मरियम खुदा दी माँ दे नाल, उसे कुवारी दे मुबारक वरसन दी यूसुफ दे नाल, तन रसूलां अते सारे संतां नाल जिन्हां ने सारे युगां विच तैनूं कुछ कीता है, असीं सदीवी जीवन दे वारस होण ते हकदार बन जावांगे अते तेरे बेटे यीशु मसीह दे राही तेरी वडियाई अते उस्तत करांगे। उस दे राही अते उस दे नाल अते उस दे विच हे खुदा पूरी कुदरत वाले बाप, रूफ पाक दी एकता विच सब जलाल अते वडियाई तेरे ही है सदा तो सदा तीकर। प्रभु यीशु मसीह ने सानू सिखाया कि असी खुदा नू बाप कह के पुकारिए, इसलिए आखन दी हिम्मत रखते हाँ, आए साडे बाप जिहड़ा आसमान उत्ते है, तेरा नाम पाक मन्निया जावे,
तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे, साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असि अपने कसूरां नू माफ करदे हां, सानू अजमाइश विच ना पा सब बुराई तों बचा। हे प्रभु असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तों सानू बचा, अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाहां तों मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तों सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असीं यीशु मसीह साडे मुक्ति दाते दे मुड़ आउण दी उड़ीक करदे हां, क्यों जो राज कुदरत अते जलाल युग युग तेरा ही है। हे प्रभु यीशु मसीह तू अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानूं शांति देंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हां, तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उस नूं अपने मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर, तू जो जीवंदा ते राज करदा है सदा तों सदा ती कर, आमीन। रब दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। आओ असीं आप विच शांति दा सलाम देईए। ऐ ले ले खुदा दे, तू जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है साडे उत्ते दया कर। ऐ ले ले खुदा दे, तू जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है साडे उत्ते दया कर। ऐ ले ले खुदा दे, तू जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है सानू शांति दे। वेखो खुदा दा लैला इनू वेखो, जिहड़ा दुनिया दे गुनाह चुक लैंदा है तन है जिहड़े इस भोजन लई सद्दे गए हन। ऐ प्रभु मैं इस योग नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे, पर एक ही शब्द आक अति मेरी रूह चंगी हो जावेगी। दुआ पाकशाकत लैण तो पहला, ऐ मुबारक मरियम तेरा प्यारा बेटा रोटी दे रूप विच साडे दिलां विच आउण वाला है, साडे लई दुआ कर ताकि असी भी तेरे वांगू उस नूं मनीए अते प्यार करिए। ऐ संत यूसुफ जिस तरह तू मसीह नूं पालिया उसे तरह सानू भी उसी सेवा करनी सिखा, आमीन।
सेवा पाक शाकत लैंड तो पिछों सिजदे दामल ए इलाही येसू जेड़ा सच मुच मेरे दिल विच आया है मैं सारिया फरिश्तियां अते पाक लोका नाल तैनू सिजदा कर दी हाँ। तू मेरा खालिक अते मालिक है, तेरी बजुर्गी वड्याई अते बंदगी सदा तीकर अते सारी जमीन दे कंडियां तीकर कीती जावे। ए मेहरबान येसू मैं तेरियां रहमतां दे बदले तैनू की देवां, मैं कख ते मिट्टी किस तरह तेरा शुकर करा। मैं तेरियां रहमतां दे गीत सदा गावांगी, मैं अपना बदन ते रूह ख्यालां ते दलीलां गल्लां ते कम्मां खुशियां ते दुखां नाले जिंदगी अते मौत नूं तेरी नज़र करदी हाँ। मेरे बदन नूं लै लै इहदे विच वस अते इहनूं सब गुनाही शहवत तों साफ रख। मेरी मर्जी नूं लै लै अते इहनूं अपनी मर्जी ते चला। मेरी याद नूं लै लै अते इहदे विच रिहा कर तां जो मैं तैनूं कदे ना भुल्लां। मेरी अकल नूं लै लै इहनूं वधा तां जो मैं तैनूं वधीक जाणा अते प्यार करा। मैनूं सारे नूं लै लै तां जो मैं सब कुछ तेरे ही प्यार वास्ते करिया करांगी। आमीन। असीं प्रार्थना करिए। हे प्रभु, हे पाक युक्रिस्त जिसनों असी चढ़ाउंदे अते हासिल भी करदे हाँ, साढ़े लई नवे जीवन का सोमा बन जावे। बख्श दे कि प्यार विच तेरे नाल जुड़े रहिंदे होए असी वो फल पैदा कर सकीए जो हमेशा लई कायम रहिंदे हन, साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राखी। आमीन। रब तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पूरी कुदरत वाले खुदा बाप बेटा अते रूह पाक तुहानू सारयां नू आशीर्वाद दे। आमीन। जाओ विद्या है कुर्बानी चढ़ाई गई है, खुदा दा शुकर होवे।